नागालैंड और मेघालय की चुनावी रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कांग्रेस के कब्र वाले बयान का भी दिया जवाब। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के वोटिंग खत्म, वोटों की गिनती का काम जारी, 6 सदस्यों का होना है चुनाव। बेंगलुरु में आज से शुरू हुई G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक, 2 दिन की बैठक में करीब 5,000 प्रतिनिधियों की शिरकत, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर भी हैं शामिल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के 85वें पूर्ण सत्र की शुरुआत, कांग्रेस अध्यक्ष को मिला CWC में सदस्यों को नामित करने का अधिकार, सोनिया और राहुल भी होंगे शामिल। दिल्ली में उपराज्यपाल और सरकार के बीच फिर छिड़ा घमासान, सीएम केजरीवाल का अधिकारियों को निर्देश, कहा LG से ना ले कोई आदेश, बीजेपी ने अराजकता का लगाया आरोप। खालिस्तानी कट्टरपंथी अमृतपाल के समर्थक की जेल से रिहाई, अमृतसर जेल से निकला लवप्रीत तूफान। ठगी के दूसरे मामले में कोर्ट ने बढ़ाई सुकेश चंद्रशेखर की 3 दिन की ईडी की कस्टडी, फिल्म मेकर करीम मोरानी को भी ईडी का समन्स, 2 दिन में पूछताछ के लिए बुलाया। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे, अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का दावा। पिछले साल 24 फरवरी को पुतिन ने अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद वो ऐसे फंसे कि फंसते चले गए। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार।